प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जहां धर्मपुरी से भाजपा ने विधायक प्रत्याशी के रूप में कालू सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर कालू सिंह ठाकुर लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जहां क्षेत्र में जनता के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विनीत यादव ने भाजपा विधायक प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर से बातचीत की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ धर्मपुरी भाजपा अधिकृत प्रत्याशी कालू सिंह जी ठाकुर जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि अगर इस बार वो चुनाव में विजयी होते हैं तो जनता से क्या वादे करते हैं और क्या सौगात देंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मेरा एक लक्ष्य रहेगा, जो आम जनता की अपेक्षा और जो मांगे हैं उसका भरपूर और अधिक से अधिक उन मांगों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे नालछा, मांडव और बगड़ी, इन क्षेत्रों में जैसे नर्मदा का जल अभी तक नहीं आ पाया, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आपको ज्ञात है और वो कहावत कहते हैं ना, हमने तो कर के गुजर गए। मांडव तक माँ नर्मदा का जल आ ही गया और मेरा लक्ष्य था वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगी नालचा, बगड़ी, पूरे क्षेत्र में माँ नर्मदा का जल लाने का मेरा संकल्प है, पहले भी था और आज भी है। इस कार्यकाल में उसको किसी हालत में माँ नर्मदा का जल ला के रहूँगा, ये मैं जनता से वादा करता हूँ। और अभी जैसे कि बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसल सूख रही है, उसके लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? अभी कुछ न कुछ हमारे टेक्निकल में कमी होने के कारण कल भी हम ग्रिड पे किसान भाइयों ने कुछ ग्रिड का घेराव करा, कई जगह आक्रोश व्यक्त करा। मैंने रात में ही 11 बजे रात को माननीय मंत्री जी से बात करी, उन्होंने बोला कि कुछ दिक्कतें हैं, उन्होंने 4 से 5 दिन का आश्वासन दिया। जो रेगुलर लाइट चल रही थी जैसे 10 घंटा चल रही, उसको 7 घंटा करी, उन्होंने आश्वासन किया है कि मात्र 4 से 5 दिन में वो सुधर जाएगी, सुचारू रूप से जैसे लाइट चली वैसे ही चलेगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। और 10 सितंबर को जो विकास यात्रा आने वाली है उसके लिए क्या तैयारी है धर्मपुरी विधानसभा में? बस भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आम जनता में पूरा उत्साह है और अधिक से अधिक उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि इस विधानसभा में विकास यात्रा माननीय शिवराज जी ने और हमारी सरकार ने जो भी काम किए बस उसी के हमारे मुखिया को आशीर्वाद देने के लिए विकास यात्रा को सफल बनाए, बस ऐसे अपील करता हूँ। और अभी जैसे धर्मपुरी विधानसभा में पूरे क्षेत्र में आपके दौरे चल रहे हैं, तो दौरे के दौरान जनता के द्वारा आपको किस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का द्वारा तो आप देख ही रहे हो सब क्या स्थिति है, मतलब कहना नहीं चाहिए। मेरे को भी अपेक्षा नहीं थी कि ये उत्साह रहेगा, मेरे को कुछ समीकरण ऐसे बना पर ऐसा जहाँ गया वहाँ कुछ नहीं दिखा और पूरे गांव के गांव मिलकर एक उत्साह के साथ उन्होंने स्वागत करा। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य बनाया है कि इस बार 50,000 पार, तो उस लक्ष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अब कार्यकर्ता ही बताएंगे, मैं क्या बताऊँगा। जो उन्होंने लक्ष्य बनाया वो अधिक से अधिक उनका लक्ष्य पार करने की उनका सहयोग रहेगा तो उनकी आशाओं पर पूरा खरे उतरेंगे। MP न्यूज़ में आज धर्मपुरी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कालू सिंह जी ठाकुर से हमारी चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने धर्मपुरी विधानसभा में जिन क्षेत्रों में अभी तक नर्मदा का जल नहीं पहुंचा है उसको पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। MP न्यूज़ से विनीत यादव की रिपोर्ट।